Hi guys, welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब? I hope आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे. And अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं then please subscribe. वहाँ पे एक रेड कलर का बटन है, उसको जल्दी से प्रेस कर दो. बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना. मैं बहुत सारी वीडियोज़ बनाती हूँ ताकि सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास तक आती रहे. सो गाइज, जैसा आप लोगों को पता है कि मैंने एक न्यू फ़ोन लिया है M31S, और उसकी मैंने अनबॉक्सिंग की थी. उस अनबॉक्सिंग में मैंने कुछ तो ऐसा कर दिया जो कि बहुत ही फनी हो गया. तो पहले आप लोग देखो कि मैंने क्या किया है, फिर वापस आओ. जो कैमरा है वो है 64 GB का कैमरा. 64 GB का कैमरा. यस, सो मुझे पता है कि कैमरा में मेगापिक्सल्स होते हैं, बट मैं इतनी फ्लो 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 में बोल रही थी. मेरा फ़ोन उसी दिन आया था एंड मुझे तुरंत वीडियो डालनी थी. पता नहीं, मैं बहुत और मैंने देखा भी नहीं एक भी बार कि मैंने वीडियो को वापस अच्छे से देखा हो, और मैंने ये मिस्टेक कर दी. तो सबसे पहले तो सॉरी. मुझे पता है कैमरा मेगापिक्सल्स में होता है और स्टोरेज GB में होती है. सो मेरा काफ़ी ऑलरेडी सब लोग काफ़ी हंस चुके हैं देख के, बट ठीक है, मुझे ये बात बस एड्रेस करनी थी. अब ये जो वीडियो है, उस वीडियो में वापस से मैं एक इस फ़ोन का एक टेस्ट करने वाली हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इसमें जो है 6000 mAh की बैटरी लगी है. सो इस बैटरी को चार्ज करने में कितना टाइम लगता है और इसको डिस्चार्ज होने में कितना टाइम लगता है, उसका एक मैंने छोटा सा टेस्ट किया है. तो गाइज, जब ये फ़ोन बिल्कुल 0% बैटरी पे था तब मैंने इसको चार्जिंग पे लगाया, और ये जब तक 100% नहीं हो गया तब तक के लिए मैंने पूरा जो टाइम है वो रिकॉर्ड किया था और टेस्ट पे डाला था कि कितनी देर में आखिर ये जो बैटरी है वो चार्ज हो जाती है. सो गाइज, अब टाइम यहाँ पे देख सकते हैं, इट्स 12:57 एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट. ये बिल्कुल डिस्चार्ज्ड है मेरा फ़ोन अभी, और मैं इसको अभी ऑन करने वाली हूँ. एंड यहाँ पे मैंने टाइमर भी स्टार्ट कर दिया है. अब ये 100% कितनी देर में होता है वो आप लोगों को बिल्कुल एग्जैक्टली टाइम से पता चल जाएगा, एंड पता कर पाएंगे कि ये जो 6000 mAh की बैटरी है वो कितनी देर में चार्ज होती है. सो गाइज, इट्स 43 मिनट्स ऑलरेडी, और आप देख सकते हो 44% अभी ये फ़ोन चार्ज हुआ है. तो अभी तो काफ़ी टाइम लग रहा है, लेट्स सी 100% कब तक पहुँचते हैं. सो गाइज, आप टाइम देख सकते हैं 1 hour 55 minutes हो गए एंड फ़ोन 96% चार्ज हो चुका है. सो अब मैं वेट कर रही हूँ कि ये एग्जैक्टली 100% कब चार्ज होगा. गाइज, मैं यहाँ पे स्टॉपवॉच बंद कर रही हूँ. 2 hours 3 minutes ऑलमोस्ट 4 minutes पे जो है ये फ़ोन पूरा का पूरा 100% चार्ज हो गया है. सो गाइज, आप लोगों ने देख लिया कि इसका पूरा जो चार्ज होने में अराउंड 2 hours and 5 minutes लगे थे. तो अब ये देखते हैं कि ये बैटरी जो है वो डिस्चार्ज होने में कितना टाइम लगती है. उसके लिए मैंने सोचा है कि मैं कभी भी पबजी नहीं खेलती हूँ, मैंने आज तक खेला भी नहीं है, बट मैंने स्पेशली बस ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपने फ़ोन में पबजी डाउनलोड किया है, और मैं आप लोगों को पबजी खेलते हुए दिखूँगी. थोड़ा मोड़ा क्लिप्स दिखेगा आपको, वैसे मुझे खेलना नहीं आता है, तो प्लीज़ डोंट जज मी ऑन दैट. और उसके अलावा मैं यूट्यूब चलाऊँगी, खूब दबा के यूट्यूब चलाने वाली हूँ. 2-3-4 घंटे लगातार मैं चला के छोड़ दूँगी. बाकी सोशल मीडिया ऐप्स भी यूज़ करूँगी मैं, और कॉलिंग अगर हो पाई, अगर कहीं कॉलिंग करने की ज़रूरत पड़ी मुझे तो वो करूँगी. एंड देखते हैं कि ये फ़ोन कितनी देर में कितना डिस्चार्ज होता है, एंड आप लोगों को एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि इसकी बैटरी कैसे है. तो वो सारी क्लिप्स जो है वो आप अब आगे देखेंगे, एंड उसके बाद फिर आप अपने लिए जज कर सकते हैं कि ये फ़ोन की बैटरी कैसी है. सो गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पे 100% फुल चार्ज है मेरे फ़ोन में अभी, और मैंने यहाँ पे अपना स्टॉपवॉच स्टार्ट कर दिया है. और अब मैं जा रही हूँ YouTube पे, जो कि मैक्सिमम टाइम मैं YouTube पे ही अपनी वीडियोस देखती हूँ. एंड आप देख सकते हैं ये मेरी बहन का चैनल है, श्वेता धीरज. तो मैं इनके चैनल की वीडियोस जो है वो ऑटो प्ले पे, जो उन्होंने प्लेलिस्ट पे लगाई है, वो अभी लगा करके मैं छोड़ देती हूँ, ताकि मैं देख पाऊँ कि ये फ़ोन कितनी देर तक चलेगा. एंड आई विल जस्ट प्ले द फर्स्ट वीडियो. इनकी हरतालिका तीज की वीडियो है, एंड आप लोग भी प्लीज़ जा करके इनके चैनल को ज़रूर चेक करिएगा.
सो ये मेरी दीगव चैनल है. अभी मैं ये सारी वीडियोस प्लेलिस्ट पे लगा करके छोड़ दे रही हूँ एंड वी विल सी कि ये फोन कितनी देर में डिस्चार्ज होता है. गाइस इट्स बीन, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट एक घंटा बस अब होने ही वाला है और आप देख लो 95% पे है फोन. अभी एक घंटा होने वाला है एंड बस 5% चार्ज गया है. और ये पूरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, ये पूरी प्लेलिस्ट ऐसे चलती हुई आई है, मैंने बीच में बिल्कुल स्किप नहीं की थी और अभी भी आगे ये प्लेलिस्ट चलती रहेगी. तो गाइस आप टाइम देख सकते हैं, इट्स 3:19 और मैं लास्ट कुछ टाइम से अपना फोन में जो सेटिंग वगैरह थी वो कर रही थी और थोड़ा सा इंस्टाग्राम चलाया मैंने 10-15 मिनट्स. तो अभी मैं दिखा देती हूँ बैटरी कितनी हो गई है, इट्स 85%. और अब मैं जा रही हूँ खेलने पबजी फॉर द फर्स्ट टाइम आप लोगों के लिए एंड लेट्स सी मैं कैसा खेलती हूँ. मैं इस पैराशूट पे ही लटकी हूँ. चलो अब मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करती हूँ. चलो अब मैं फास्ट फॉरवर्ड मोड पे करती हूँ और आप लोग देखो मैं कितनी देर तक गेम खेल सकती हूँ. यहाँ मेरा फर्स्ट मैच खत्म हो गया है. मैं देखो रैंक नंबर 50 पे आई हूँ. ओके सो हमने अराउंड 20 मिनट्स आई थिंक पबजी खेला है. ठीक है, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं खेल सकती और मैं आप लोगों को बैटरी दिखाती हूँ. एक सेकेंड. ओके सो हमने अराउंड 20 मिनट्स आई थिंक पबजी खेला होगा और मेरी 3% बैटरी रही है. सो या अगर आप लोग बहुत ज़्यादा पबजी खेलते हो तो आई थिंक बैटरी जल्दी ड्रेन होगी. अब बस बहुत हुआ, अब मैं पबजी नहीं खेल सकती हूँ. सो लेट्स गो और मैं कुछ अपना थोड़ा मोड़ा सोशल मीडिया सर्व कर लेती हूँ, इंस्टाग्राम या फेसबुक. एंड इफ यू गाइज डोंट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम यू कैन फॉलो मी, माई इंस्टाग्राम हैंडल इज दिस, गो फॉलो मी. सो गाइज आफ्टर प्लेइंग पबजी फॉर अ वाइल अब वापस मैं अपना फोन को यूट्यूब के वीडियोज पे ही लगा रही हूँ और ये है चैनल बातें कुछ काम की जो कि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी हैं और मेरी सिस्टर जैसी हैं. तो अब मैं इनके चैनल की जो वीडियोस हैं वो लगा रही हूँ. तो इनके जो ये चैलेंजेस वाली वीडियोस हैं मैं उससे स्टार्ट कर रही हूँ एंड ये सारी वीडियोस चलेंगी लगातार. सो आई होप कि ये ऑलमोस्ट 2 घंटे की तो होंगी होंगी कम से कम. तो ये अब मैं पूरी चला कर छोड़ दे रही हूँ. आप देख सकते हो यहाँ पे 4 घंटे हो गए हैं फोन को यूज करते करते एंड 80% चार्ज पे हम आ चुके हैं. सो लेट्स सी ये जब प्लेलिस्ट खत्म होती है तो फिर हम कितने परसेंट चार्ज पे रहते हैं. इसमें आप देख सकते हैं 11 वीडियोस हैं. सो गाइस 62% बैटरी बाकी है एंड अब मैं इस फोन को थोड़े देर के लिए रिकॉर्डिंग मोड में ऑन करके छोड़ने वाली हूँ एंड अराउंड 1/2 आवर में इसको रिकॉर्डिंग मोड में ऑन करके छोड़ूंगी. तो इससे हमें ये भी आइडिया हो जाएगा कि रिकॉर्डिंग मोड में कितना बैटरी जाता है इस फोन से. हाय गाइस, सो ये अभी रिकॉर्डिंग मोड में रहेगा थोड़ी देर. सो यस एंड वी विल सी. अभी इसकी बैटरी मैंने आप लोगों को दिखा दी है, अब 61 हो गई है 62 से. सो यस लेट्स सी. गाइज आप यहाँ देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट 44 मिनट्स होने वाले हैं कि इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो ऑन थी एंड जब लास्ट हमने देखा था तो 61% पे बैटरी थी और अब 53 पे आ गई है. तो इसका मतलब है कि जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो इसकी बैटरी कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा होने वाली है एंड आई थिंक अब ऑलमोस्ट 8 आवर्स हो गए हैं कि हम. सो गाइज इट्स द फाइनल रिव्यू टाइम. मैं बता रही हूँ कि ऑलमोस्ट 8 आवर्स हो गए हैं मैंने जब से इस फ़ोन को लगाया था इस टेस्टिंग पे एंड 8 आवर्स से इस फ़ोन को बिल्कुल दबा के चलाया गया है आप बोल सकते हो. मैंने इसमें पूरी मतलब मैक्सिमम टाइम मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी, उसके बाद मैंने
कैमरा भी चला के छोड़ा है 45 मिनट्स के लगभग, पबजी भी खेला है बीच में, सारी सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ करी है, एंड आई डोंट थिंक एक भी मिनट ऐसा होगा कि ये फ़ोन जो है वो ऑफ था। तो उसके बाद अब जो ये फ़ोन है आफ्टर 8 आवर्स ये 50% अराउंड 52% पे, एक सेकेंड आई विल शो यू, यस 52%, आई होप आप लोगों को दिख रहा हो, नहीं मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। तो ये फ़ोन जो है वो 52% पे पहुँच चुका है अब आफ्टर 8 आवर्स ऑफ रिगरस इसकी हमने बहुत अच्छे से यूज़ किया, और एक भी मिनट आई डोंट थिंक ऐसा होगा कि इस फ़ोन को हमने खाली छोड़ा था, कुछ ना कुछ इस पर चल ही रहा था पूरी टाइम। सो गाइज अकॉर्डिंग टू मी अगर ये फ़ोन जो है वो अगर हम 2 दिन तक बहुत नॉर्मल यूज़ करें, जैसे नॉर्मल जैसे हम लोग हमेशा डेली यूज़ करते हैं, तो आई थिंक ये 2 दिन आराम से चलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मैंने आप लोगों को कोशिश की है कि सारी वेराइटीज़ बता दूँ कि कौन से में किस ऐप में या किस एप्लीकेशन में सबसे ज़्यादा बैटरी की ड्रेनेज होती है, एंड आई होप ये आप लोगों को हेल्प करेगा। सो अगर हेल्प करेगा तो कॉमेंट्स करके ज़रूर बताना, एंड थैंक यू। सो गाइज आई होप आप लोगों को एक फेयर आइडिया लग गया होगा कि इस फ़ोन की बैटरी जो है वो कितनी देर में चार्ज होती है फुल चार्ज, और कितनी देर में डिस्चार्ज भी हो जाती है। तो ये था छोटा सा आज का एक्सपेरिमेंट जो कि मुझे करना था और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर आप लोगों को और भी कुछ भी अगर आप लोगों को इस फ़ोन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, देन प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिप्लाई करूँगी या वीडियो बना दूँगी उसके ऊपर अगर आप जैसा भी चाहोगे। सो टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अनबॉक्सिंग वीडियो जो है वो यहाँ कहीं ऊपर में आ रहा होगा आई बटन में, या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, आप लोग अनबॉक्सिंग वीडियो ज़रूर देख लेना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।